यार मूछें वापस आने लग गई। तो आज मैं अपने बाल काटूंगा क्योंकि मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि बेटा आपके जो बाल है ना इंडस्ट्री के हिसाब से सही नहीं है। बेटा अच्छे इंडस्ट्री को कैसे बाल सही लगते हैं भाई? एक्चुअली मैं कबीर सिंह वाले ट्राई कर रहा था बट उस तरीके के मेरे बाल हैं नहीं। तो आज मैं खुद से घर पे 1600 वाले ट्रिमर से साफ करूंगा जो कि फिलिप्स का है। देखो हो पाता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स सैलून की दुकान तो है ही, बट खुद से एक बार ट्राई करेंगे। एक्चुअली मैं मुंबई में एक बार खुद से बाल बनाए थे तो वहीं से कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे को। मेरे को डर भी लग रहा है कि मेरी आंखें हैं कमज़ोर, बिना चश्मे के मेरे को दिखाई नहीं दे रहा यार। गड़बड़ ना हो जाए। ये इधर से थोड़े से छोटे कर तो लिए मैंने, कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। साइड का तो सही है, पीछे का सीन थोड़ा सा गंदा हो गया और मैं देख भी नहीं पा रहा कि कैसे कैसे हुआ है यार। तो प्लीज डोंट ट्राई एट होम, इस तरीके की स्टंट आप खुद से घर पे ना करें वरना सीन हो सकता है। मेरे को तो लगा 1600 का आया तो आई होप ये काट दे। लास्ट टाइम मैंने काटा तो था बट उसमें पता है क्या था, उसका जो मुंह था वो थोड़ा चौड़ा था, इसका मुंह काफ़ी छोटा, उसका थोड़ा सा इतना चौड़ा था तो एक ही बार में पुम पुम आधे घंटे में हो गया था, इससे तो लंबा लगेगा। पीछे कैसे काटूँ ये समझ नहीं आ रहा, इधर का काट लेता हूँ। वहाँ पे इतने लंबे बाल आ रहे हैं। कुछ इस तरीके के बाल है मेरे, इधर से काटने हैं। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। साइड का भी हो ही गया ऑलमोस्ट, सही है, मिक्सअप भी हो गया है। गाइस इतना हो चुका है और ये मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होते हुए दिख रहा है मेरे को। फाइनली अब मुझे सलून से ही कटवाना पड़ेगा। सलून से ही कटवाना पड़ेगा। वैसे इतना अजीब तो नहीं लग रहा बट कटवाना ही पड़ेगा। फिरते मैंने अपने बाल इस तरीके से काट लिए हैं और मेरा दोस्त कह रहा है कि मैंने बचा लिए अपने 50 रुपये। पीछे से थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर पीछे का दिख भी तो नहीं रहा कि काटू कैसे। तो गाइस मैंने इस तरीके के बाल काट लिए हैं और पीछे से थोड़े से अजीब लग सकते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बट मैंने ये 50 रुपये बचाते हुए सिक्सर मारा है और इतने सारे बाल निकले हैं। ओह माय